तो प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, भागलपुर के दर्शकों, सुबह का प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। भागलपुर क्रिकेट लीग का आज का मुकाबला छठा, मिर्जान वर्सेस चंपानगर। चंपानगर टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी कर रही है। लगातार कुछ गेंदें अपने लक्ष्य से भटक रही हैं। बतौर ओपनर आए हैं सचिन और सौरभ, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी विष्णु के कंधे पर। दो रन दोनों ही वाइड के जरिए आए हैं, माफ करेंगे, एक लीग बाई एक वाइड। शॉर्ट आर्म पुल, और यहाँ पे थोड़ी सी एक थोड़ा सा चांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शॉर्ट आर्म पुल और एक चौका अभी निकला है, और ये चौका निकला सौरभ के बल्ले से। सौरभ गांगुली की तरह ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, नाम भी सौरभ। शॉर्ट लेग क्षेत्र में 30 यार्ड सर्किल के अंदर एक खिलाड़ी, और उन्हीं के सर के ऊपर से ये चौका निकाला बड़ी होशियारी के साथ। जाने दिया विकेटकीपर के दास्तानों में गेंद को। 6 रन अभी ओवर की शुरुआत हुई है। विष्णु गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्लिप लगा रखी है, स्लिप गली स्क्वायर लेग कवर मिड ऑफ मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट और एक फाइन लेग के साथ साथ एक थर्ड मैन भी बाउंड्री लाइन पर। फिर से उछाल भरी हुई गेंद, और गेंद को उछाला है, कितनी दूर उछाला है, इतनी दूर उछाला कि आधे दर्जन रन के लिए अंपायर अपने दोनों हाथों को उठा सके। छक्का निकलता हुआ चंपानगर के लिए ये ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण और शानदार घटता हुआ। 12 रन एक ओवर के समाप्ति के पश्चात। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो 10 पर खेल रहे हैं सौरभ, सचिन का खाता खुलना बाकी। आज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अंकित नहीं है, चंदन है, ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए ऑफलाइन में हमारे बेहद प्रिय आदरणीय सम्माननीय श्री धर्मजय कुमार जी। और देखिए फुल लेंथ गेंद को फुल टॉस बनाते हुए ड्राइव कर दिया है कवर्स एरिया में, शानदार चौका। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाज के लिए अच्छी नहीं हुई, लेकिन बल्लेबाज सचिन के लिए बेहतर रहा। खाता खुला सचिन का 4 रन से 16 का आंकड़ा। चंपानगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, और यहाँ पे उछाल, लेकिन ओवर स्टेपिंग कर गए, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। फ्री हिट के लिए बल्लेबाज जाएंगे। और फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया, गेंद कुछ बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। अच्छी फील्डिंग, और मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को 2 रन लेने का। इन 2 रनों के जरिए टीम का स्कोर कुल 19 रन, सचिन 6 पर। और फिर से अपने कंधे का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से निकली बाउंड्री लाइन के पार। थर्ड मैन थोड़े से वाइडिश थे,
उनके लिए मौका नहीं बना और गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। 23 और लीजिए यहाँ पे गेंदबाजी गलत, पिछली गेंद पर चौका आया था और इस गेंद की गिनती भी नहीं होगी क्योंकि ये वाइड गेंद थी। एक पंजा मिलता हुआ टीम मिर्जान को, स्कोर चला गया है इस पंजे की मदद से 28 रन। तीसरी ओवर ही फेंकी जा रही है, माफ करेंगे, दूसरी ओवर 28 रन बन गए। गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया। भागलपुर क्रिकेट लीग स्पॉन्सर्ड बाय विजय कुमार यादव। वाइड बॉल, इस ओवर में दूसरी दफा अपने लक्ष्य से भटके गेंदबाज। आकाश आनंद गेंदबाजी कर रहे हैं फार वे एंड की तरफ से। थोड़ी सी गेंद हवा में तैरी थी, क्षेत्ररक्षक थोड़े पीछे थे। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 29 रन बगैर किसी नुकसान के मिर्जान का कुल स्कोर है। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो सचिन खेल रहे हैं 10 के निजी योग पर, सौरभ भी खेल रहे हैं 10 के निजी योग पर। सौरभ के 10 रनों में 1 चौका 1 छक्का और सचिन के 10 रनों में 2 चौके शामिल हैं। मिर्जान किंग्स की तरफ से खुद कप्तान बासुकीनाथ मिश्रा अब बॉलिंग एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। फील्ड की पोजीशन को उन्होंने थोड़ा संतुलित किया अपने हिसाब से, गेंदबाजी हिसाब से। विकेट कीपर को ऊपर बुलाया, एक पीछे स्लिप रखी गई है, काफ़ी पीछे है, एक गली, स्क्वायर लेग, कवर, मिड ऑफ, ऑफ साइड की ये फील्ड। इस 1 रन के जरिए सौरभ पहुंचे 11 पर, टीम का टोटल स्कोर 30। अब बासुकीनाथ मिश्रा के सामने है सचिन, दायां बायां संयोजन और फील्ड की पोजीशन जमावट में थोड़ा सा समय लगता है जब इन दोनों का संयोजन होता है। अब दायां हाथ के बल्लेबाज सचिन के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं बासुकी। टॉस कराया था गेंद को और अच्छी फील्डिंग, पावर प्ले का खेल चल रहा है और ऐसे में फील्डिंग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी, थोड़ी सी तेज दौड़ लगानी होगी जब आप सर्किल के अंदर हल्के हाथों से गेंद पुश करके 1 रन लेते हैं। ऐसे में अगर फील्डर चौकन ना रहे तो रन आउट होने का खतरा पैदा होता है। ये देखिए फिर से दायां बायां संयोजन और फील्ड प्लेसमेंट में लगने वाला वक्त। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ डालने की कोशिश में दिशा से भटके बासुकी, वाइड का इशारा अंपायर राजेश मंडल का। स्कोर कुल 32 बगैर किसी नुकसान के।
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को उछाला है और क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे तो आए लेकिन गेंद आधे दर्जन रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक छक्का निकला है सौरभ के बल्ले, फिर से फ्लैटेड बॉल और फिर से एक चौका मिलेगा और ये चार रन स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ निकला है। पिछला छक्का निकला था डीप मिड विकेट और ये चौका स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ निकलता हुआ। स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, 42 रन हो गए हैं, किसी विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ है। और नाम देखिए, सचिन और सौरभ की जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। एक डिकेट अगर पीछे जाएं, एक दशक पीछे जाएं, तो भारत के लिए ये दोनों नाम खेलता हुआ दिखाई पड़ता था। तीसरा ओवर संपन्न हुआ है। इस ओवर में बासुकीनाथ मिश्रा के गेंदबाजी पर एक चौका आया, एक छक्का आया, एक वाइड गेंद भी डाली थी उन्होंने। दो सिंगल, 13 रन कुल दिए बासुकीनाथ मिश्रा ने अपने इस ओवर में। जहां तक स्कोर का प्रश्न, टीम का टोटल 42 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति हुई है। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 स्पॉन्सर्ड बाय विजय कुमार यादव। आज छठा मुकाबला इस आयोजन का मिर्जान किंग्स वर्सेस चंपानगर वारियर्स के बीच। चंपानगर वारियर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 42 रन बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर की शुरुआत होगी। सामने से गेंदबाजी एक्शन में विष्णु, दूर जाते हुए गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 42 रन बने हैं अब तक। और लीजिए, पिछले कई दिनों की तरह आज भी वाइड और बाई और लेग बाई के काफी रन दिखाई पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रास की संख्या काफी नजर आ रही है। आज का दिन भी अछूता नहीं उससे। लेग बाई के जरिए एक चौका अभी अभी मिला। चंपानगर वारियर्स की टीम का स्कोर उछलता हुआ 46 को चूमता नजर आ रहा है। आज सर्वाधिक मुझे लगता है पावर प्ले में रन बन जाएंगे। चौथे ओवर के मिडल में ही 46 रन आ गए। और ये देखिए, बिल्कुल चूक हुई सचिन से और सचिन को अब वापस पेविलियन जाना होगा। पुल करना चाहते थे, शॉर्ट आर्म पुल का एक प्रचलन है कि छोटी जो गेंद रहती है कमर की ऊंचाई तक जो रहती है उसे बैक फुट पर आके शॉर्ट आर्म पुल करते हैं बल्लेबाज। और जब टाइमिंग सही नहीं होती है तो बल्ले के किसी हिस्से से लगती हुई, अंदरूनी हिस्से से लगती हुई गेंद स्प्लैश कर जाती है विकेटों की तरफ। आज भी मायूस हुए हैं सचिन। वापस मायूसी के साथ पवेलियन की तरफ। आउट होने के पहले सचिन ने कुल कितने रन बनाए मैं आपको बता दूं? 14 गेंदें खेली और 11 रन बनाकर वापस सचिन पवेलियन लौट रहे हैं। तो सौरभ और सचिन की जोड़ी टूट गई। सौरभ का साथ देने के लिए बादल आए हैं और इस सिंगल के जरिए रन कुल 47, एक विकेट का नुकसान हुआ है। अभी अभी सचिन वापस पवेलियन गए। चंपानगर वारियर्स की बल्लेबाजी हो रही है। कुल 47 रन बने हैं। चौथी ओवर ही फेंकी जा रही है। पावर प्ले में आज काफ़ी रन देखने का मौका मिला है यहाँ के दर्शकों को।
फिर से अंपायर से गार्ड लिया है सौरभ ने। वाइट, इस वाइट के जरिए कुल रन 48, एक विकेट गवाया है अब तक चंपानगर वॉरियर्स ने, वो विकेट सचिन के रूप में वापस आया। और चोटिल हुए विष्णु की गेंद, फिर से शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बहुत ही जबरदस्त चोट लगती है जिस जगह पे गेंद लगी। काफी ज्यादा बाहर गेंद, एक बार फिर से दोनों हाथों को फैलाया अंपायर अभय कुमार ने। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रन 49, चौथी ओवर कुछ लंबी खिंचती हुई, इसकी वजह ये रही कि सचिन सौरभ माफ करेंगे चोटिल हुए थे बीच में। ओ क्या शॉट है भैया, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया सवेरे के वक्त में। और लीजिए 50 रन पूरे हुए, 55। क्या शॉट था, कभी कभी आँखियाँ तरस जाती हैं ऐसे शॉट्स देखने के लिए। कल दो शॉट ने दिल जीता, एक फुल लेंथ गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बासुकीनाथ मिश्रा का शॉट, दूसरा विकास यादव का एक शॉट दनदनाती हुई निकली थी, और तीसरा शॉट आज ये सौरभ के बल्ले से निकला है। किसी भी ग्राउंड में, नेशनल स्तर के किसी भी ग्राउंड में ये छक्का जाता, पैरेलल सिक्स निकल गया। ओह, व्यक्तिगत योग का जहां तक प्रश्न, तो सौरभ गए इस छक्के की मदद से 27 पर और स्कोर को पहुंचा दिया चंपानगर वॉरियर्स 55 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट। चार ओवर 55 रन और अब भी दो ओवर शेष हैं पावर प्ले के। मैं सारे YouTube चैनल के दर्शकों को बतला दूं कि ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, भागलपुर कमिश्नरी के टैलेंटेड प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। कॉन्सेप्ट रहा सचिन बासुकीनाथ मिश्रा, रहमतुल्ला शाहरुख, सुवीर मुखर्जी, आनंद मिश्रा, सुनील सिंह और सारे क्रिकेटर्स का भी जो खेल रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और ऐसे में कोई अगर किसी बात के लिए उलझते हैं या कमेंट करते हैं तो फिर दुख होता है, आपका टूर्नामेंट है। बिल्कुल जो गति थी गेंद की उसे डेड कर दिया गेंदबाज ने और इसके लिए शॉट में पावर झोंकनी होती है। अरे गाना बजाया करो, स्पिन आक्रमण लेकर आए हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं अभिषेक, और उनके सामने बल्लेबाजी में बादल। लेग स्टंप की गेंद, अच्छी गैदरिंग, वाइट का इशारा अंपायर राजेश मंडल का, और इस सिंगल इस अतिरिक्त के जरिए 56 उछला है, उछला, और यहां पे कैच पकड़नी चाहिए थी, एक आसान सा कैच होता है ये, लेकिन हाथों से छिटकी, एक जीवन दान मिला बादल को। 57
बाउंड्री लाइन पर दो खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर। इसकी सबसे बड़ी वजह बाएं हाथ के सौरभ का पिछली गेंद पर एक शानदार छक्का निकल जाना। कट शॉट, बैक फुट पंच, क्या बल्ले अब आने लगे हैं मोटे मोटे ब्लेड वाले। बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, अभिषेक अब गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट और ये आखिरी बॉल थी। तो इस ओवर में कुल कितने रन हुए मुझे? दो रन। बहुत ही किफायती ओवर, बहुत ही किफायती ओवर, मात्र दो रन खर्च किए अभिषेक ने। जहां रनों का बहाव चल रहा था वहां पे इस फिरकी गेंदबाज ने रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है। कुल पांच ओवर संपन्न हुए हैं और पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात चंपानगर वॉरियर्स का स्कोर है 57 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट। ओ क्या सुई में से धागा पिरोया है बादल ने, कितनी अच्छी गैप मिली उन्हें और गेंद नजर भी ना आई कि कब बाउंड्री लाइन के पार चली गई। और यहां पर पुल, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद में अपेक्षित उस उछाल जितनी अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज बादल, उतनी गेंद उछली नहीं और सामने से मना किया इसे शॉट्स खेलने के लिए। तो पावर प्ले का ये आखिरी ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाजी विष्णु कर रहे हैं और उनके सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज बादल। लीजिए एक और, एक और, कितनी बार दिल जीतोगे बादल, बेहतरीन शॉट, एक ही तो दिल है मेरा। ओहो, खेलना तो चाहते थे मिड विकेट एरिया में लेकिन थोड़ा लेट कर गए या गेंद थोड़ी विलंब आई थी। ओ हो, अभी तक का कल एक सबसे लंबा छक्का निकला था मिड विकेट एरिया में बासुकीनाथ मिश्रा के बल्ले से और अभी अभी एक लंबा छक्का निकला है बादल के बल्ले से। तो बादल पहुंचे इस छक्के की मदद से अपने कुल निजी 16 पर और टीम का टोटल स्कोर चला गया है 71। प्रथम पावर प्ले में पहली दफ़ा 70 का आंकड़ा किसी टीम ने इस भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 में पहली दफा छुआ है। तो एक बार फिर से YouTube चैनल के दर्शकों को मैं बतला दूं कि ये मुकाबला खेला जा रहा है बिहार भागलपुर के अंदर और कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। कमिश्नरी के जिले के सारे क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं यहाँ के एक बड़े समाज सेवी, उभरता हुआ नाम है, बड़ा नाम है श्री विजय कुमार यादव का। तो हम कह सकते हैं भागलपुर क्रिकेट लीग इज पावर्ड बाय विजय कुमार यादव। सातवें ओवर को लेकर आए हैं विवेक आनंद। ओहो, यहाँ पे बाल बाल बचे सौरभ, बिल्कुल जड़ में मारी गई गेंद थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई फाइन लेग एरिया की तरफ चली गई चार रनों के लिए। लकी फोर, हार्ड लक फोर बॉलर विवेकानंद। गेंदबाजी सधी हुई हो रही है लेकिन आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि सौरभ नाम का बल्लेबाज
कहीं अर्धशतक तो ठोकेगा ही, 75 पार करते हुए फिर सेंचुरी न ठोक दे, बहुत ही सहजता के साथ ये बल्लेबाजी कर रहा है। मैंने इस पिच पर एक बात नोटिस की है, आप पिच पर जाते के साथ अपने बाहें नहीं खोल सकते, आपको कम से कम शुरुआत के 6-7 गेंदें खेलनी होंगी, डेट करना होगा। आवश्यकता नहीं ऐसे शॉट्स खेलने की, इसके लिए कदम ताल आपके होने चाहिए। जब तक कदम बाहर आपके निकलेंगे नहीं, तब तक शॉट बल्ले पर आएगा नहीं। बादल के लिए विवेक आनंद, और ये गलत गेंद, उछाला है गेंद, काफी दूरी तय कर रही है, एक लंबा छक्का मिलता हुआ बादल को, खराब गेंदबाजी और सही इलाज बादल के जरिए। इस स्कोर में उछाल 82, सातवीं ओवर की शुरुआत में ही 82 रन बन गए आज। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होते हुए आज नजर आएंगे क्या? ओ कट शॉट, बेहतरीन लाजवाब। मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि आपको अपनी जगह से ही खेलना है। इस पिच पर मैंने देखा है जिसने बैकफुट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया और जो हड़बड़ाहट में खेले, लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश की, आपने देखा होगा बासुकीनाथ मिश्रा जैसे एक बड़ा खिलाड़ी, बिहार की नाक शान भागलपुर की, उन्होंने भी 2 दफ़े अपने विकेट हड़बड़ाहट में गंवा दिए। मुझे बहुत दुख हुआ है और कहीं ना कहीं से मेरे बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा। ओवर संपन्न होता हुआ 86 खासे महंगे साबित हुए विवेकानंद। इस ओवर में 15 रन उन्होंने दे डाले, 7 ओवर 86 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। व्यक्तिगत स्कोर में बतला दूं, सौरभ खेल रहे हैं 32 पर और बादल 26, और बादल पहुंचे हैं 26 के अपने निजी योग पर। इसके पहले मैं कभी नहीं बोल सकता था कि इतने रन बनेंगे या बल्लेबाज कितने रन बनाएंगे। आज एक शतक सर लगने वाला है, 4 पारियां आज जो खेली जाएंगी उसमें एक शतक का मुझे आदेश ऊपर से मिल रहा है कि एक शतक आज लग जाएगा, और आज पहली दफ़ा कोई टीम 200 के आंकड़े को पार करेगी। एक बस संयोग है, आभास है मुझे कि एक शतक आज हम सभी देखेंगे। किस बल्लेबाज के बल्ले से निकलेगा ये मैं बता नहीं सकता। काफ़ी अर्धशतक हम सभी देख चुके हैं, एक शतक का इंतज़ार है सर। भागलपुर के कुछ बल्लेबाज चले, गौरव, सचिन भारद्वाज, गौरव, बासुकीनाथ मिश्रा, विकास यादव, और यहाँ पे एक चौका निकल गया वाइड का इशारा अंपायर का। 5 अतिरिक्त रन खाते में और चले गए चंपानगर वॉरियर्स के। 91 आठवें ओवर में 91 रन और विकेट मात्र एक ही निकला है। तो अब जो और भी बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकलने की चाहत यहां के दर्शक करते हैं वो बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन, सूर्यवंश, इन तमाम लोगों का बल्ला अब तक खामोश ही रहा है। हालांकि पिछले मैच में कल बासुकीनाथ मिश्रा ने अच्छे हाथ दिखाए थे लेकिन अपनी पारी को आगे नहीं ले जा पाए थे। और लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी गेंद की थी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के लिए, बल्लेबाज के पास काफ़ी वक्त था
और वो बल्लेबाज जो बाएं हाथ का हो उसे आप शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद कभी फेंक ही नहीं सकते। किसी भी खेल का बाएं हाथ का खिलाड़ी हो बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा का होता है वो। अर्धशतक के करीब जा रहे हैं सौरभ। 36 पूरी तरह से खुलकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है सौरभ और बादल ने। 37 पर सौरभ और चंपानगर वॉरियर्स से 96। 8वीं ओवर टीम के कप्तान वासुकीनाथ मिश्रा डाल रहे हैं। अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग। लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। 97 का स्कोर नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है वो 3 अंक 3 डिजिट। और ये 100 रन के 8वें ओवर के अंदर ही आज दिखाई पड़ जाएंगे तो ऐसा पहली बार होगा भागलपुर क्रिकेट लीग के अंदर। और यहां पे एक बदले हुए एक्शन के साथ थोड़ी सी तेज फ्री पर गेंद डाली गई थी। एक चौका निकला है बादल के बल्ले से और इसी के साथ 8वीं ओवर कंप्लीट होती हुई 99 रन 8 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। 9वीं ओवर लेकर आए हैं विवेक आनंद, उनके सामने बादल 99। चंपानगर वॉरियर्स की बल्लेबाजी चल रही है किंग्स मिर्जान के खिलाफ। और लीजिए इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए। मिर्जान किंग्स के खिलाफ चंपानगर वॉरियर्स ने 8.1 ओवर के दरमियान अपने 100 रन पूरे किए हैं। उनचास गेंदों में 100 रन का आना बहुत बड़ी बात होती है T20 के मुकाबले में। आधी गेंदें और उससे दुगने रन। और लीजिए ये एक मौका। जी हाँ, यहाँ पे मौका बना है या क्या हुआ। और लीजिए यहाँ पर अंपायर का इशारा छक्के का आता हुआ। ऑनेस्टली फील्डर ने कहा मुझे पता नहीं चला भाई, और फिर पीछे बैठे दर्शकों ने बताया कि ये 6 रन है। चाहते तो क्षेत्ररक्षक जिद कर सकते थे, लेकिन उनकी अच्छी भावना को सैल्यूट करता हूं मैं। इन चीज़ों को अगर आप अपने व्यवहार में शामिल करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होती है क्रिकेट के लिहाज से। तो अभी अभी एक छक्का निकला है, स्कोर चला गया है कुल 106 रन 9वें ओवर के दरमियान ही बन गए। एक ही विकेट गंवाया है वॉरियर्स चंपानगर। मिर्जान किंग्स बड़ा बड़ा नाम, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़ा अच्छा आयोजन, शानदार ग्राउंड, लाजवाब आयोजन है ये। बेशक दर्शकों की संख्या काफ़ी कम, लेकिन जब वक्त बीतेगा, कुछ साल गुजर जाएंगे तो इस माहौल को याद किया जाएगा कि विजय कुमार यादव ने क्या आयोजन करवाया था, जिसमें वासुकीनाथ मिश्रा, सुबीर मुखर्जी, आनंद मिश्रा, सचिन, तमाम लोगों ने जी जान से मेहनत की थी और टूर्नामेंट को सजा था। ये क्या होगा, मौका मिलेगा क्या? वो 8 ओवर हो गया।
और लीजिए फिर से यहाँ पे छक्का निकल गया। व्यक्तिगत स्कोर में बतलाना चाहूँगा, इस छक्के के साथ ही सौरभ ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। टीम का स्कोर 112 है और सौरभ पहुंचे 50 पर। इसके पहले गौरव राज आनंद सिंह ने भी अर्धशतकीय पारी खेली और आज सौरभ की अर्धशतकीय पारी देखने का मौका मिल रहा है। पता नहीं दिल के कोने से एक आवाज़ सवेरे ही आई थी जैसे सौरभ को मैंने खेलते देखा, ये बल्लेबाज अगर आखिरी तक टिका रह गया तो आज अपनी सेंचुरी नॉक कर देगा। 9 ओवर 112 रन, एक विकेट के नुकसान पर अर्धशतकीय पारी जमाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ, जबकि बादल का व्यक्तिगत स्कोर है 29। हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं चंदन जी और ऑफलाइन पूर्व क्रिकेटर और बेहतरीन स्कोरर धर्मजय कुमार जी, जबकि सहयोगी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं इस कमेंट्री बॉक्स में सचिन कुमार, जो बड़े ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं भागलपुर कमिश्नरी के, बिहार के। और यहाँ पे करवा दी कैच प्रैक्टिस और कहा बादल अब आप बाहर जाइए। लकी आर्म बासुकीनाथ मिश्रा और देखिए खेमे में खुशहाली किस तरह तैर रही है। मुझे लगता है काम चलाओ गेंदबाजी करते हैं बासुकीनाथ मिश्रा और उनके जूनियर्स की खुशियां देखिए, अपने दादा के लिए, अपने बॉस के लिए, मिस्टर कूल के लिए, बासुकीनाथ मिश्रा के लिए ये आवाज़ें, ये तालियां बजती हुई कि दादा आपने कमाल कर दिया। एक बड़ा नाम, बहुत ही तगड़े क्रिकेटर, इस बार हेमंत ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सूर्यवंशम आए हैं, 78 और 76 दो जर्सी। जब सब हम दो दशक पीछे देखते हैं, जिस वक्त बेंसन एंड हेजेज शारजा कप चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती थी तो उस वक्त जर्सी नहीं होती थी, जर्सी के नंबर नहीं होते थे, फुटबॉल में जर्सी के नंबर होते थे, लेकिन बाद में फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी का संगम, तीनों चीज़ क्रिकेट में मिक्स हो गया। स्कूप शॉट हॉकी के क्रिकेट में चला आया और जर्सी नंबर फुटबॉल की आ गई क्रिकेट के अंदर। तो क्रिकेट ने काफ़ी रंग बदले हैं, निखरे हुए रूप में क्रिकेट और भी सुंदर देखने में लगता है, रंगीन ड्रेस के अंदर क्रिकेट का खेल होने लगा, वाइट बॉल, ब्लैक पर्दा। ये गैप मिली है गलत गेंद का, सही इलाज सूर्यवंश के बल्ले से चौका निकला है, खाता खुला सूर्यवंश का चौके से और स्कोर काफ़ी तेज़ी से 116 पर पहुंचता हुआ, कांटा 116 पर। ओवर नंबर कुल ये 10वीं फेंकी जा रही है। चंदन कितने रनों की साझेदारी हुई थी बादल और सौरभ के बीच, अगर आप देख पाएँ तो मुझे बताएं, लंबी साझेदारी। सिंगल लगभग 60 रनों की पार्टनरशिप बादल और सौरभ के बीच और उस साझेदारी को मिस्टर कूल कैप्टन बासुकीनाथ मिश्रा ने तोड़ा। सौरभ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल निजी 50 रन पर और बड़ा अच्छा मौका आया है सौरभ के लिए कि आधे ओवर्स बचे हुए हैं, अपने शतक की तरफ देख सकते हैं।
ये शॉट बिल्कुल लंबी दूरी तय करते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। तो मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था कि ये सौरभ ने आज अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई है। स्कोर को पहुंचा दिया कुल 123 रन चंपानगर वॉरियर्स। अच्छा शॉट है। जहां पे 2 रन होने नहीं चाहिए थे वहां पे थोड़ी सी चूक हुई। क्षेत्ररक्षण में मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 125 रन बन गए 125। एक है सौरभ जिनकी आंखें जम चुकी हैं और एक है इस सीजन हेमन ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले सूर्यवंश। तो ऐसी साझेदारी होगी, निगाहें इस बात पे टिकी हुई हैं। 10 ओवर 126 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात बहुत ही तगड़ी शुरुआत हुई है। सौरभ का स्कोर है कुल 59 और चंपानगर वॉरियर्स 125। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं अभिषेक। इस सिंगल के जरिए सौरभ पहुंचे अपने कुल निजी 60 पर और टीम चंपानगर वॉरियर्स 127 2 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं अभिषेक और उनके सामने है सूर्यवंशम। बैकफुट पंच किया है सूर्यवंश ने और जब तक गेंद ऑन साइड मिड ऑन एरिया में फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी 128 रन। लीजिए ये गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी सीमा रेखा के पार। तो रन रुक नहीं रहे हैं, ऐसा बीच बीच में प्रतीत हो रहा है कि रन अब रुक गए हैं। एक आध ओवर अच्छा गुजर जाने से गेंदबाजी अच्छी नहीं हो जाती, बिल्कुल साधारण किस्म की गेंदबाजी हुई है। बल्लेबाजों को आउट करने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही, या यूं कहिए कि आज बल्लेबाजों ने इस पिच को पूरी तरह से परख रखा है। जिसने पिच का निर्माण किया है उन्हें सैल्यूट मेरा। शुरुआत में कुछ ऑकवर्ड खेली पिच, कुछ गेंदें नीचे, कुछ बाउंस भी, लेकिन आज पिच का व्यवहार दिल खुश कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रोलिंग की जाती है पिच पर, वाटरिंग की जाती है शाम के वक्त, पिच को ढकी जाती है ओवरनाइट। 2 टर्फ विकेट पूरे बिहार में कुछ जगहों पर जो मैंने खेल का स्तर अच्छा देखा है, एक गया, एक सुपौल और फिर भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय में भी अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है आजकल। कट शॉट लेकिन बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर एक क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल पहुंच गया है 133। आज एक बड़ा स्कोर दिखाई पड़ने वाला है। 2 ही विकेट का पतन हुआ है और सूर्यवंश और सौरभ दो ऐसे दिग्गज बल्लेबाज के इर्द गिर्द ये पारियां शायद घूमती नजर आने वाली हैं। बार बार अपने स्टांस को, अपने
अपनी बैटिंग पोजीशन को देखते हैं, परखते हैं, गार्ड लेते हैं, ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो अब अग्नि परीक्षा सामने से विवेकानंद आए हैं, इसके पूर्व कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे और फार अवे एंड की तरफ से विवेका सौरभ के लिए उछालना चाहते थे, लेकिन गेंद की मूवमेंट थोड़ी अंदर की तरफ इनसाइड आउट आए थे और गेंद को स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन गेंद गई ऑन साइड में। एक रन और इस सिंगल के जरिए सौरभ पहुंचे हैं 65 पर, शतक से मात्र 35 रन दूर और टीम का टोटल स्कोर 134। चंपानगर वॉरियर्स 134 रन, दो विकेट के नुकसान पर। तगड़ी शुरुआत और देखिए क्या पंच, कितने आराम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं सूर्यवंश और रोटेशन कर रहे हैं, ज़्यादातर स्ट्राइकिंग एंड पर सौरभ को बुला रहे हैं। ये होती है क्रिकेट की अच्छी सोच समझ, व्यक्तिगत खेल का यहाँ महत्व ही नहीं होता, यहाँ महत्व होता है कि जो बल्लेबाज पूरे मैच को आगे ले जा रहा है, जिसकी पकड़ हो चुकी है, जिसने ग्रिप बना ली है, इस पिच को जो परख चुका है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाने की कोशिश हो रही है। सूर्यवंश का निजी स्कोर में बतलाऊं, 8 रन और 5 गेंदे खेली हैं। बहुत ही सहज होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसा कभी नहीं लगा है कि बल्लेबाज असहज हुए हैं। तो धर्मजय जी एक और काम कर रहे हैं यहाँ पर, स्कोरिंग के साथ साथ थर्ड अंपायर के रूप में भी यहाँ पे मौजूद हैं। संजय बैन लगेगा तुमको। देखिए क्रिकेट का माहौल तभी अच्छा हो सकता है जब आप पुराने क्रिकेटर्स को, अपने सीनियर्स को सम्मान देंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा क्रिकेटर बन चुका हूं, आपने कुछ पारियां अच्छी खेल ली और अपने बड़े क्रिकेटर्स का, सीनियर्स का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितना अच्छा माहौल है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए यहाँ से प्यार भरी डांट लगा देते हैं हमारे प्यारे धर्मजय कुमार जो स्कोरिंग कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं, काफ़ी क्रिकेट खेला है इन्होंने, 20 साल अपनी सेवा दी है भागलपुर क्रिकेट के अंदर, बड़े अच्छे अच्छे मैच भी जिताए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये स्कोरिंग ही कर रहे हैं, ये स्कोरर हैं, ये क्रिकेटर हैं भैया, अब भी क्रिकेटर हैं। क्रिकेट में एक शब्द आता है पुराना और नया, मैं कभी नहीं मानता पुराना, सीनियर्स, और बोला भी गया है कि जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो बड़ा अच्छा माहौल है भागलपुर क्रिकेट के अंदर, एक तरफ मैंने आज रिकॉर्डिंग की है लॉन टेनिस की तैयारियां, दूसरी तरफ वॉलीबॉल, और यहां पे सवेरे से लगभग 250 लोग आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, बिहार पुलिस आर्मी SSC की तैयारियां करते हुए नज़र आते हैं। माहौल आपके भागलपुर का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। स्कोर में बतलाऊं एक बार फिर से, 139 रन, दो ही विकेट गिरे हैं, 13 ओवर, और यहाँ पे स्टम्प्ड हुए हैं सौरभ, आउट हो गए, और अच्छी बेकार स्किल दिखाई विकेट कीपर ने, ग्लव वर्क्स अच्छा उनका, और 140 पर तीसरा झटका लगा है सौरभ, बेहतरीन बल्लेबाजी करके वापस लौट रहे हैं पेवेलियन। कुल कितने रन बनाए चंदन जो हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, 70 रन बनाए, कितनी गेंदें खेली, 38 गेंदों में 70 रन बनाए हैं सौरभ ने, वापस पेवेलियन लौट रहे। तो हमारे कमेंट्री बॉक्स से सचिन वापस गए,
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट पर, पूरे आयोजन पर। मैं दिखलाना चाहूँगा सचिन जिनके पैर में क्रैम्प है, और अब वो वापस हमारे साथ कुछ देर बिताने के बाद अब दूसरी जगह अपनी सेवा देने के लिए देख रेख में गए हैं। सचिन बड़ा बल्लेबाज, मौका था यहाँ पर विकेटकीपर के लिए, बच गया। स्कोर में बतला दूँ, नहीं कैच था, ऑन साइड की दिशा में गेंद उछलती कूदती फांती जा रही है लॉन्ग ऑन एरिया में, कर रो भैया। और इस सिंगल के जरिए कुल रन हो गए हैं चंपानगर वारियर्स के 141, जबकि ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है कुल 13वीं। ढेर सारे ओवर्स, काफ़ी गेंदें बची हैं। अच्छी बल्लेबाजी, धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी। आज अगर रन बने हैं ज़्यादा, और उम्मीद है कि 200 का आंकड़ा चूमेगी चंपानगर वारियर्स, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अच्छी गेंदों को बल्लेबाजों ने सम्मान भी दिया है, और गलत गेंद पर शॉट्स निकले हैं उनके। ये भी तो रन खा ही रहा भैया, बेकार कर रही है थी। पावर प्ले में बहुत रन खा गया, लेकिन भैया इसको प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए ना अगर कीपर है तो। अभी अभी एक चौका निकला, स्कोर कुल चला गया चंपानगर वारियर्स का 147, 13.2 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 147 रन बन गए। दो बल्लेबाज हैं क्रिस पर, गौरव राज और सूर्यवंश। देख रहे हैं एकदम सिंसियर, नहीं खेल रहे अब अपना ग्रुप को सर चालीस रन बना रहे हैं 149। 14वें ओवर की समाप्ति हुई है, 149 रन चंपानगर वारियर्स ने टॉस जीतकर बना लिए हैं अब तक, और 36 गेंदें अब भी शेष। जहाँ तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, तो सूर्यवंश खेल रहे हैं 12 पर, और गौरव नए बल्लेबाज हैं, सौरभ के आउट होने के बाद गौरव आए, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 149, 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात चंपानगर वारियर्स का कुल स्कोर, और यहाँ पर एक कैच छिटका है, हाथों से कैच छिटकी है, मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो आज 2-4 मौके निकले हैं हाथों से, चौका भी रुक सकता था, और बिल्कुल चौके को भी रोका जा सकता था। इसी के साथ 150 का आंकड़ा भी चूम गई चंपानगर वारियर्स, 153। 3 विकेट का नुकसान हुआ है, 153 रन 15वें ओवर की शुरुआत हुई है गेंदबाजी एक्शन में। पीयूष गौरव आज एक अलग अंदाज में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करके सौरभ गए हैं, और काफ़ी देर के बाद इन्हें मौका मिला, तो तेज़ गति से रन बनाने की कोशिश होगी गौरव की। पिछले मुकाबले में क्या शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, 70 के करीब रन बनाए थे। टॉस कराया और तेज़ रफ्तार से गेंद कमेंट्री बॉक्स के नीचे साइड स्क्रीन से टकराती हुई 4 रनों के लिए। सूर्यवंश के बल्ले से एक दनदनाता हुआ चौका निकला, सूर्यवंश पहुंचे अपने 16 पर, और टीम की रन संख्या 158 3 विकेट के नुकसान पर।
तेज रफ्तार से दंदनाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। डीप मिड विकेट एरिया में गौरव के बल्ले से एक शानदार चौका निकलता हुआ। 163 पंद्रहवां ओवर संपन्न हुआ है। 163 रन, 3 विकेट का पतन हाथों में, 7 विकेट शेष, 30 गेंदें शेष और स्कोर आज पहली दफा 200 के ही पार नहीं, 220 225 तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नो बॉल हुई थी पिछली गेंद और फ्री हिट का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं सूर्यवंश, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पे फ्री हिट था, डंडा हिला लेकिन थ्रो का कोई मायने नहीं, गिल्लियाँ गिरी हुई, एक गिल्ली हालांकि विकेट पर लगी हुई थी और जब डंडे हिल जाते हैं तो उसे आपको धरती से उखाड़ना पड़ेगा। अगर ओवरथ्रो का रन मिलता तो फिर गरीबी में आटा गीला हो जाता। और भी स्कोर कुल 169, 3 ही विकेट गिरे हैं। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 16वीं और गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। काफ़ी देर के बाद स्ट्राइकिंग एंड पर गौरव, आज थोड़े से मायूस होंगे गौरव क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में गौरव ने खुद को बना के रखा है। सारे मैचों में अच्छी बल्लेबाजी, आज भी कुछ रन अपने ओवरऑल खाते में जोड़ेंगे और इसमें मदद करेंगे ये सारे फील्डर्स। जहां पे एक रन होना चाहिए था, गौरव को कहा फील्डर ने, भैया लीजिए हम आपकी मदद करते हैं, चौका दिया और चौंका दिया। गौरव इस चौके की मदद से पहुंचे कुल 19 पर 173, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत जल्द ये टीम 18वें ओवर तक मुझे लगता है 200 के आंकड़े को चूम जाएगी, जिस तरह से मिस फील्डिंग्स और किए जा रहे हैं, कैचेस छोड़े जा रहे हैं। एक भी गेंद को अब बल्लेबाज सम्मान नहीं दे रहे हैं, बख्श नहीं रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि नज़रें उनकी जम चुकी हैं और दूसरी वजह पिच का व्यवहार आज बड़ा ही लाजवाब रहा। ऑफ साइड में एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। काफ़ी देर के बाद एक डॉट गेंद, 16 ओवर संपन्न हुए हैं, स्कोर है कुल 174, 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी चंपानगर वारियर्स की, मिर्जान किंग्स के खिलाफ चंपानगर वारियर्स टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और बेंच से आवाज़ें जाती हुई कि 4 ओवर से बचे हैं, 24 गेंदें शेष हैं और इन 24 गेंदों में ये दोनों बल्लेबाज चाहें तो 50 रन भी आ सकते हैं, क्योंकि दो बड़ा नाम है, दो बड़े क्रिकेटर्स हैं भागलपुर कमिश्नरी के, गौरव और सूर्यवंश। मौसम ने राहत दे रखी है हम सबों को और ख़ासकर अंपायर्स को, लेकिन जैसे ही कहा मैंने कि मौसम ने राहत दे रखी है, थोड़ी सी धूप नज़र आती हुई। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस संगम में पलड़ा भारी रहा बल्लेबाज गौरव का। एक रन उनके खाते में और गए, गौरव पहुंचे सिंगल के जरिए 21 पर। सूर्यवंश खेल रहे हैं 18 पर और टीम का टोटल 175। सेवन सिक्स
लीजिए गौरव के बल्ले से एक छक्का निकला है अभी अभी, तो गौरव पहुंचे अपने कुल निजी 27 पर और टीम की रन संख्या 183, पिछला रिकॉर्ड टूटा है, सर्वाधिक स्कोर आज पूरे टूर्नामेंट में कौन सी टीम कितने टीम टोटल बनाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन आज जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है और जितने साधारण स्तर की गेंदबाजी, साधारण स्तर की फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ये सबसे बड़ी वजह रही कि चंपानगर वारियर्स के इतने ज़्यादा रन बन रहे हैं। स्क्रेले की दिशा में एक और रन, 185, 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 10.99 रन प्रति ओवर, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। वाइट सत्रह ओवर 187 रन, 3 विकेट के पतन के पश्चात क्या शॉट है, क्या शॉट की खूबसूरती तो देखिए, बिल्कुल विकेटों की सीध में साइड स्क्रीन से टकराती हुई गेंद 4 रन के लिए निकल गई। गौरव इस चौके की मदद से पहुंचे अपने कुल निजी 33 पर और टीम की रन संख्या 191, चंपानगर वारियर्स 191। आकाश बड़े ही तगड़े प्रहार किए जा रहे हैं, करारा शॉट, और ऐसा हो भी क्यों नहीं क्योंकि स्लॉक्स के ओवर्स चल रहे हैं और ऐसे में जब शुरुआत से आपका रन रेट 11 को आपने मेंटेन रखा है तो आखिरी के इस 3 ओवर्स में तो फिर ये रन रेट और भी ऊपर होने चाहिए। आकाश सूर्यवंश के लिए और इसी के साथ सूर्यवंश अब चले पवेलियन, अच्छी साझेदारी निभाई दोनों बल्लेबाजों ने और कुल 21 गेंदों में 20 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। चौथे विकेट का पतन हुआ चंपानगर वारियर्स का, स्कोर है कुल 192 192 192। तो काजू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्या खूबसूरत अंदाज में उनका बल्ला चला, स्लैश किया, गेंद में उछाल थी, गेंद के पीछे आए और हल्के से सहलाया, गेंद सीमा रेखा के पार चली गई थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए। इस चौके की मदद से टीम चंपानगर वारियर से 196 रन, 4 विकेट के पतन के पश्चात ओवर नंबर कंप्लीट होता है 17वीं, माफ करेंगे ओवर नंबर कंप्लीट हुई है कुल 18वीं। क्या शॉट है, क्या शॉट है, कितना खूबसूरत शॉट, बिल्कुल विकेटों के सीध में हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे साइड स्क्रीन से टकराती हुई गेंद, और इस चौके की मदद से 200 रन पूरे हो गए चंपानगर वारियर्स के। एक और अच्छा शॉट और एक और चौका निकल गया गौरव के बल्ले से 204। जहां तक गौरव के व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, 42 पर चले गए हैं गौरव, क्या आज भी अर्धशतक ठोकेंगे।
एक और चौका निकल गया, लगातार चौके निकलते जा रहे हैं गौरव के बल्ले से। 46 पे गौरव, 46 गौरव और टीम टोटल 208। ये एक और ये छक्का निकल गया या चौका, इशारे का इंतजार रहेगा। ये 50 रन पूरे हो गए गौरव के। शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, चार दंदनाते हुए लगातार चौके निकले गौरव के बल्ले से। चौके की मदद से चंपानगर वॉरियर्स का स्कोर 212 रन। इस ओवर के पश्चात एक और ओवर शेष है। कितनी गेंदें खेली चंदन गौरव? 22 गेंदों में अपनी अर्धशतक ठोक दी है। और लीजिए एक और यहाँ पे, लेकिन थोड़ी गति धीमी थी गेंद की। वासुकीनाथ मिश्रा थे। 19वीं ओवर संपन्न, 213 19 ओवर और विकेट का नुकसान हुआ है कुल 4। अर्धशतकीय पारी खेलकर जश्न का माहौल है खेमे के अंदर। चंपानगर वॉरियर्स ने एक ऐसा स्कोर बना दिया है, पहाड़ सा स्कोर, और किस तरह से आज पीछा करेगी। सारा दारोमदार वासुकीनाथ मिश्रा के कंधे पे आज होगा। मिर्जान किंग्स के कैप्टन वासुकीनाथ मिश्रा, जब जब मैंने देखा है कि वो कॉलेप्स हुए हैं, आउट हुए हैं, उनकी टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। तो आज शुरुआत से ही जब ओपनिंग करने आएंगे वासुकीनाथ मिश्रा, कल भी बतौर ओपनर आए थे, तो शुरू से ही उन्हें एक सिरा पकड़ के रखना होगा और आखिरी तक साथ देना होगा, ताकि इस बढ़ते हुए बड़े लक्ष्य, जो कि अब एक ओवर और विशेष है, उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। ये तो बात की बात है। चलिए 20वां ओवर शुरू हुआ है। गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं विष्णु, और सामने हैं बल्लेबाज बाएं हाथ के गौरव। 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कैच छिटका। बोल्ड काजू को वापस पवेलियन जाना होगा। गति परिवर्तन और थोड़ी सी टॉस, थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा थी गेंद की। इस यॉर्कर डिलीवरी को समझ नहीं पाए। काजू वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 5वीं विकेट का पतन होता हुआ। दो गेंदे शेष, और एक और यहाँ पर जिन्हें फील्डर वहाँ पे मौजूद, एक रन और मिलेगा 217। तो आखिरी गेंद खेलने का मौका मिला है गौरव को। वॉरियर्स चंपानगर के कप्तान गौरव, अर्धशतकीय पारी, आखिरी बॉल। कुल रन है 217। आकाश की बॉल, और यहाँ पे आखिरी बॉल में एक रन लिया है। 218 रन कुल बनाए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई चंपानगर वॉरियर्स की टीम ने गौरव की शानदार दमदार अर्धशतकीय पारी। नाबाद लौटेंगे गौरव। कुल कितने रन बनाए गौरव ने, मैं चंदन से जानना चाहूँगा। गौरव ने कुल 55 रन बनाए, 218 का स्कोर रहा, और जीतने के लिए अब लक्ष्य रहेगा मिर्जान किंग्स के सामने कुल 219 रनों का। तो जैसे दूसरी पारी शुरू होगी, मुकाबला शुरू होगा, मैं फिर से आपके समक्ष आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं अब ब्रेक की तरफ। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपसे मुखातिब हूं। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग, पावर्ड बाय विजय कुमार यादव। 219 रन चेज करने हैं मिर्जान किंग्स की टीम को।
बतौर ओपनर्स दो बल्लेबाज दीपक और बासुकीनाथ मिश्रा, जबकि गेंदबाजी एक्शन में संजय नजर आ रहे हैं। विकेटकीपर सहित पूरे वी जोन को अगर देखें तो गली और स्लिप का क्षेत्र बिल्कुल खाली, हालांकि एक वाइडिश गली बोल सकते हैं, वाइडिश गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक शॉर्ट लेग जो कि बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में, और एक लॉन्ग लेग और एक थर्ड मैन। इस व्यूह रचना के साथ संजय गेंदबाजी करेंगे दीपक को। वाइड और इस वाइड से खाता खुला मिर्जान किंग्स का। तो पहला ओवर संपन्न हुआ है, स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के मिर्जान किंग्स 219 रन चेज करने हैं। दूसरा ओवर बिट्टू लेकर आए हैं, उनके सामने हैं पूर्व रणजी प्लेयर बासुकीनाथ मिश्रा। खूबसूरत शॉट, मक्खन शॉट, लंबी गेंद थी, गेंद की लाइन तक पहुंचे और कवर्स एरिया में एक मखमली शॉट निकलता हुआ बासुकीनाथ मिश्रा के बल्ले से। बासुकी 4, मिर्जान किंग्स 5। बिट्टू की गेंद, बासुकी गेंद के पीछे आए और बड़े ही सहजता के साथ गेंद को स्टीयर किया मिड ऑन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड होती बासुकी ने 1 रन लिए, खुद पहुंचे 5 पर, अपनी टीम को पहुंचाया 6 पर। बिट्टू के सामने दीपक हैं अब। खूबसूरत शॉट, मिड विकेट एरिया में गेंद जाती हुई और एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर बासुकीनाथ मिश्रा। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, अच्छा कट शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक तैनात। ये देखिए जो पोजीशन है फील्ड की ऑफ साइड, 4 सैनिक वहाँ पे तैनात कर रखे हैं गेंदबाज बिट्टू ने। एक बार फिर वी जोन गली की दिशा में गेंद आई थी, बहुत बड़ा दारोमदार होगा आज बासुकीनाथ के कंधों पर। एक और रन बासुकी का खाते में, बासुकी पहुंचे अपने कुल 6 पर और टीम की रन संख्या 8। 8 रन बिना किसी नुकसान के, और इसी के साथ दूसरा ओवर संपन्न हुआ है। 2 ओवर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अंपायर से गार्ड लिया कूल कैप्टन बासुकीनाथ मिश्रा ने, और सामना करेंगे अब गेंदबाज संजय की गेंद का। एक विकेट कीपर पीछे, स्लिप का क्षेत्र खाली, एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और एक क्षेत्र रक्षक, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर और एक थर्ड मैन भी। प्रथम पावर प्ले का खेल चल रहा है, 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर और 9 खिलाड़ी विकेट कीपर और गेंदबाज सहित घेरे के अंदर। वाइड बॉल,
कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को बल्ले के साथ। एक लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश लॉन्ग ऑन एरिया में और शायद वासुकीनाथ मिश्रा अपने ग्लव्स को मंगा रहे हैं, दूसरी ग्लव्स। विकेट कीपर को संजय ने कहा कि क्यों आगे आ रहे हो यार, पीछे जाओ, मुझे मजबूर मत करो, मुझे बंधन में मत बांधो कि मैं लंबी गेंदें ना डाल सकूं। जब आप विकेट कीपर को ऊपर बुलाते हैं या विकेट कीपर ऊपर आता है तो आप फुल लेंथ गेंद नहीं डाल सकते हैं, पीछे फिर विकेट कीपर से छूटने का खतरा होता है। ये देखिए फुल लेंथ गेंद मिडल और लेग साइड, अच्छा शॉट वासुकीनाथ मिश्रा का, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। वासुकी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल छः पर, कुल कितनी गेंदें खेली हैं, 10 गेंदें खेली हैं, 6 रन 9 रन का स्कोर तीसरे ओवर में मिर्जान किंग्स का। चंपानगर वॉरियर्स ने 218 रन का आंकड़ा खड़ा किया है, टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर 219 रन बनाने हैं वासुकीनाथ मिश्रा की टीम को। और यहाँ पर दबाव बढ़ रहा है, डॉट गेंदें आ रही हैं, रन का दबाव है, 219 बनाने हैं। आगे बढ़े थे, गेंद एक बार फिर से बल्ले पर आई नहीं, ओवर संपन्न होती हुई तीसरी, 3 ओवर 9 रन। हालांकि कोई विकेट नहीं गए हैं लेकिन आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ, मैं बता दूं आस्किंग रन रेट है इस वक्त 12.35 की आस्किंग रेट चली गई है, यानी प्रत्येक ओवर में आपको कम से कम 2 चौके निकालने होंगे। शुरुआती का वक्त है, पावर प्ले का खेल चल रहा है और ऐसे में चौके भी नहीं निकल रहे हैं, और जब पावर प्ले का खेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाउंड्री लाइन पर 5 खिलाड़ी नज़र आएंगे, वैसे में चौके और छक्के की गुंजाइश कम हो जाती है। मौका है 3 ओवर्स में, जितने सारे ज़्यादा बाउंड्रीज आप निकाल पाएँ उतना ही फ़ायदा आपकी टीम के लिए, आपकी टीम के हित में होगा वो। तो बिट्टू को यहाँ पे हटाया गया और गेंदबाजी में आए हैं भानु आर्य, पहली ही गेंद विकेट कीपर से चूकी बाई का एक चौका मिलता हुआ, इसे गिफ्ट मानेंगे। जब बल्ले से रन नहीं आ रहे हो तो ऐसा रन बड़ा काम आता है उस टीम के लिए जिसे पीछा करना है 219 रनों का। मिर्जान किंग्स के किंग बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दिखलाई पड़ रहे हैं वासुकीनाथ मिश्रा, एक लंबा अनुभव। एक रन और यहां पर मिलेंगे, 14 रन, चौथी ओवर की शुरुआत भानु आर्या के जरिए हुई है और स्ट्राइकिंग एंड पर एक बार फिर से वासुकीनाथ मिश्रा। डिफेंसिव शॉट, बायां पांव आगे, सर नीचे, अपने सामने दबाया वासुकीनाथ मिश्रा ने। तो 219 रन बनाने की एक बड़ी जिम्मेवारी है स्कूल कैप्टन के कंधों पर, और जब तक वासुकीनाथ मिश्रा है तब तक सांसें चलेंगी किंग्स मिर्जान की। और यहां पर देखिए बदले हुए एक्शन के साथ तेज रफ्तार की गेंद, फ्लिपर, कंधा तेजी से घुमा था गेंदबाज भानु आर्य का, लेग गार्ड में गेंद टकराई मिडल और लेग की तरफ जाते हुए, एक छोटी सी अपील, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। काफ़ी समझदारी और धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वासुकीनाथ। ओवर एक और संपन्न होता हुआ, कुल 4 ओवर की समाप्ति, 14 रन बगैर किसी नुकसान के मिर्जान किंग्स, जो चंपानगर वॉरियर्स के दिए गए हुए लक्ष्य 219 का पीछा कर रही है। संजय की गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर, राजेश मंडल जो अंपायर हैं आज के, उनका इशारा वाइट का। दूसरे अंपायर में दिखाऊं, स्क्वायर लेग में खड़े मेरे मित्रवत
और मेरे रूम पार्टनर कई अवसर पर अभय कुमार। अकेली अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल भी कहीं से झलकी नहीं। बड़ा ही खूबसूरत शॉट, अच्छी आवाज, स्वीट स्पॉट पर गेंद आई थी लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। पॉइंट एरिया में क्षेत्र रक्षक की तैनाती कर रखी है गेंदबाज संजय ने। और क्या कैच, क्या कैचिंग हुई है भाई, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। लाजवाब कैच, क्षेत्र रक्षक थे सचिन भारद्वाज। ओ माय गॉड, वाह। तो दीपक बुझ गया, पहले विकेट का पतन होता हुआ दीपक के रूप में, और पहला झटका लगा है। स्कोर है कुल किंग्स मिर्जान का, देख लीजिएगा 15। दीपक के आउट होने के पश्चात आए हैं मयंक चौधरी, सामना करेंगे संजय की गेंद का। लंबा रन लगभग 20 कदमों का, संजय चले, अंपायर को पार किया और ये गेंद आई मिडल लेग की दिशा में। भाग्यशाली रहे गेंदबाज कि बल्लेबाज ने खुद को शफल कर लिया था इस बॉल को खेलने के लिए आगे की तरफ, जिस वजह से उनके लेग गार्ड में गेंद टकराई, अन्यथा वाइड निकलती चली जाती। डॉट। तो ओवर नंबर 5 संपन्न हुए हैं, मात्र 15 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। बासुकीनाथ मिश्रा खेल रहे हैं अपने 6 के निजी योग पर। दीपक वापस पवेलियन गए और आउट होने से पहले दीपक ने मात्र 2 रन बनाए थे। भानु आए हैं फिर से बासुकीनाथ मिश्रा के लिए और यहां पर 1 तेज़ रन स्क्वायर लेग की दिशा में। हल्के हाथों से धकेला था गेंद को बासुकीनाथ मिश्रा ने और इस सिंगल के जरिए बासुकी 7 पर, मिर्जान किंग से 16 है। फुल टॉस बनाकर गेंद को दिशा दिखाई, मिड विकेट रीजन में गेंद आई थी, मिले हुए मौके का फ़ायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 और रन, 17 से आगे स्कोर बढ़ता हुआ 18, 1-1 रन से स्कोर को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडेड, और यहाँ पे जो बॉल लग रहा था कि चौके के लिए बाहर चली जाएगी, पॉइंट बाउंड्री की तरफ अच्छी फील्डिंग से इस चौके को बचाया। आज थोड़े निश्चिंत दिख रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा, हड़बड़ाहट में नहीं है। और यहाँ पर गेंद बल्ले पर फिर से आई नहीं, रन भी नहीं लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये लीजिए, 1 तगड़ा शॉट है, 1 तेज शॉट, दो हाथों को चूमती भी निकली थी भानु के। काफ़ी देर के बाद बासुकीनाथ मिश्रा के बल्ले से एक चौका निकला है। दहाई के अंक में प्रवेश, बासुकीनाथ मिश्रा का व्यक्तिगत स्कोर है 11 और टीम का टोटल 21। 6 ओवर 21 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है और अब भी जीतने के लिए कुल 198 रन चाहिए किंग्स मिर्जान को। 14 ओवर्स में 198 रन, अच्छी गैदरिंग विकेट के पीछे। वाइट का इशारा अंपायर राजेश मंडल का, नए गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं गौरव राज, टीम के कैप्टन हैं, अर्धशतकीय पारी खेली। पिछले 2 पारियों में अर्धशतक जमाए हैं, नाबाद रहे हैं।
बल्लेबाजी कर रहे हैं सामने मयंक चौधरी, और यहाँ पर खेलना चाहते थे कमेंट्री बॉक्स यानी कि मिड ऑफ एरिया में या लॉन्ग ऑन एरिया में, गेंद गई फाइनल की दिशा में एक रन, और इस सिंगल के जरिए कुल रन 23। सातवां ओवर 23 रन, और जीतने के लिए रन कितने चाहिए 219। बासुकीनाथ मिश्रा गौरव राज के सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टंप को छकाती भी निकले, अंपायर ने इशारा किया वाइड का, दो दर्जन रन बन चुके हैं। खूबसूरत हैंडसम शॉट जो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार चली गई, चार रनों के बासुकीनाथ मिश्रा के बल्ले से एक लग्जरियस शॉट निकलता हुआ, स्प्लेंडिड फोर ड्रिवन बाय बासुकीनाथ मिश्रा, एंड स्कोर मूव्स ऑन नाउ टू 24-21, 28 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट। प्रोग्रेसिंग नाउ सेवंथ ओवर, once again comes into a snowballs to Basukinath Mishra, back to the bowler, no any addition, total of 28. Once again right arm over, khelna chahta Basuki ne long off ki taraf, lekin fir gend aayi फाइनल की एरिया में, तो पिछला चौका निकला है बासुकी के बल्ले से, एक रन और आया है। बासुकीनाथ मिश्रा पहुंचे अपने 16/29 का योग। सातवीं ओवर एक विकेट का नुकसान हुआ है, 190 रनों की और आवश्यकता। ये देखिए स्वागत करते हुए बल्लेबाज हम सबों का, छक्के का इशारा आता हुआ राजेश पंडित का, ये छक्का निकला है मयंक चौधरी के बल्ले से। सात ओवर 35 रन एक विकेट के नुकसान पर किंग्स मिर्जान का, चंपानगर वारियर्स के खिलाफ। चंपानगर वारियर्स ने कुल 218 रन बनाए थे, 219 का लक्ष्य है किंग्स मिर्जान के सामने। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बासुकीनाथ मिश्रा अगर टिके रह गए तो बाद में जैसे इनकी नज़रें जमती हैं, इनका बल्ला मैंने काफ़ी जगहों पर गरजते हुए देखा है। ये देखिए लंबा शॉट, विश्व के किसी भी स्टेडियम में ये छक्का जाएगा, मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था। ये शेर अब दहाड़ना शुरू कर चुका है। बासुकीनाथ मिश्रा इस राजपूती शॉट, एक खूबसूरत छक्के की मदद से पहुंचे हैं अपने 22 के निजी योग पर, और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 41 पर। कुछ अच्छे शॉट की दरकार है बस, और उसके बाद तो फिर मैच रनिंग में आ जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रेशर लेंगे उतना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, आस्किंग रन रेट बढ़ेंगे। भानु की गेंद फिर से लॉन्ग ऑफ एरिया में गई, एक रन 42-23 पर पहुंचे बासुकीनाथ मिश्रा। भानु की गेंद लेग आउट पर लगी थी, फाइनल लेग की दिशा में आई, एक मौका फिर है इस स्पिनर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने का बासुकीनाथ मिश्रा के पास। बहुत ही बढ़िया शॉट है, प्यारा शॉट, एफर्टलेस शॉट, कवर्स एरिया में गेंद गई, स्वीपर कवर एरिया में गई थी, एक और रन 43, और बासुकी चले गए हैं 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भानु की गेंद कट शॉट, मिसफील्डिंग हुई, एक और रन। ये खेमा है, ये पेवेलियन है मिर्जान किंग्स का, और तमन्नाएं हालांकि कंधे थोड़े झुके हुए टीम के। फिर से कट शॉट, डॉट बॉल, आठ ओवर 45 रन दो विकेट के नुकसान पर
24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बासुकी। 45 आठ ओवर 45 रन, 2 विकेट का पतन हुआ है। करेंगे, एक ही विकेट गिरा है दीपक के रूप में। बिल्कुल खामोश क्रिकेट, आज माइक्रोफोन पर कमेंट्री भी नहीं हो रही है, मैं सिर्फ अपने हेडफोन माइक से आज के मैच का रवा तबसरा आँखों देखा हाल आपको सुना रहा हूँ। नए गेंदबाज हैं दीपक, दीपक की गेंद और शानदार कट, मखमली शॉट, बासुकीनाथ मिश्रा के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। बासुकी इस चौके की मदद से पहुंचे अपने कुल निजी 28 पर और टीम की रन संख्या 50 को चूमती हुई। ये 50 रन आए हैं 8.3 ओवर के दौरान, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात और, जीता वही है जो नहीं डरा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। हवा में गेंद थोड़ी देर झूल गई थी, क्षेत्ररक्षक पीछे थे। और लीजिए, एक चौका मिलेगा यहां पर, गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ एरिया में, गई बिल्कुल साइड स्क्रीन, बहुत ही लंबी चौड़ी है, मैं दिखाऊं आपको, फाइनल की दिशा में गेंद चली गई, बहुत ही लंबी, मानो कोई रेलगाड़ी के 3 डब्बे जोड़ दिए गए हों। बहुत अच्छी, बहुत ही लाजवाब आयोजन आप देख रहे हैं। भागलपुर क्रिकेट लीग पावर्ड बाय विजय कुमार यादव, और आज का मुकाबला खेला जा रहा है किंग्स मिर्जान वर्सेस वॉरियर्स चंपानगर। तो एक और ओवर संपन्न हुआ है, कुल 9 ओवर, 55 रन, एक ही विकेट गिरा है, लेकिन रनों की रफ्तार काफ़ी धीमी। एक्शन में बिट्टू और सामने बासुकीनाथ मिश्रा, काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर अभय कुमार का। और यहाँ पे गेंद काफ़ी तेज़ी से जा रही है, स्वीपर कवर एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक ही रन मिलेंगे बासुकीनाथ मिश्रा को। सिंगल के जरिए बासुकीनाथ मिश्रा पहुँचे कुल 30 पर, 29 गेंदें खेली हैं, मयंक खेल रहे हैं 14 पर 57, एक विकेट के नुकसान पर किंग्स मिर्जान। क्रॉस द लाइन आए थे, पोजीशन बनाई बल्लेबाज ने, लेकिन इतना देर, इतना वक्त अगर आप लेंगे तब तक गेंद निकल जाएगी, तक प्लान बनाते गेंद उनके बल्ले पर लग चुकी थी। ये अच्छा शॉट है, क्षेत्र रक्षक मौजूद, वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में गेंद फील्ड की गई है, एक और रन। बड़े धैर्य के साथ आज बल्लेबाजी कर रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा बिट्टू के सामने, और ये शॉट भी बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने खेला है, लेकिन डॉट बॉल। और लीजिए, एक शॉट तो अच्छा था, लेकिन कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक तैनात थे, उनके सीधे हाथों में गई, क्षेत्र रक्षक थे वहाँ पर, गौरव राज टीम के कप्तान ने मिर्जान किंग्स के कप्तान का कैच पकड़कर वापस उन्हें पवेलियन भेजा है। लेकिन आउट होने से पहले अच्छी बल्लेबाजी की बासुकीनाथ मिश्रा ने, और कुल कितने रन बनाए मैं बता दूं, 30 रन बनाए, और अब वापस पवेलियन लौट रहे हैं। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, कप्तान बासुकीनाथ मिश्रा आउट।
खुशियों की लहर तैरी है वॉरियर्स चंपानगर के खेमे में। तो एक और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज राकेश काजू, माफ करेंगे गेंदबाजी में राकेश काजू हैं। शॉट तो बहुत अच्छा लेकिन फील्डिंग खराब, जहां कोई रन मिलना नहीं चाहिए था वहां बल्लेबाज को चार रन मिला। कि हालांकि टीम चंपानगर वॉरियर्स ने इतने ज़्यादा रन इकट्ठे कर लिए हैं कि एक दो शॉट अगर ऐसे छूटते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क तब पड़ेगा जब कोई बल्लेबाज आकर ताबड़तोड़ अंदाज में दो तीन ओवर में 50-60 रन जड़ दे तो फिर मुकाबले में रोमांच पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा शॉट है, तेज शॉट, कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर फोर। इन दो चौकों की मदद से 66 रन, दो विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 10.2 ओवर का खेल हुआ है, 11वीं ओवर चल रही है। वाइट ग्यारह ओवर संपन्न, स्कोर है कुल 68, 4 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ज़्यादा बाहर गेंद, एक तो वाइड और इस छूटे हुए गैदरिंग की जगह एक और रन जुड़ेंगे खाते में, तो दो अतिरिक्त श्रीमान ने धीरे धीरे चल रही किंग्स मिर्जान की गाड़ी को थोड़ी सी गति प्रदान की है। 70 रन, दो विकेट के पतन के पश्चात गौरव गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर से दूर रखने की कोशिश। एक गली भी रखी है उन्होंने, वाइडिश गली, एक बिल्कुल डीप स्लिप जिसे कहेंगे, जो थर्ड मैन का भी काम कर सकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी बाउंस थी गेंद में, गैदर किया दो बल्लेबाज क्रीज पर, अमरजीत और मयंक चौधरी। ये शॉट बड़ा ही ऊंचा गया है, लंबाई का छक्का, ऊंचाई का छक्का और लंबाई में चौका। ये हाथों से कैच छिटकी, फलस्वरूप जहाँ पे विकेट गिरने चाहिए थे, थोड़े मायूस हैं कैप्टन गौरव, वहाँ पे एक चौका मिल गया। 74, 4 पर अमरजीत, 24 पर मयंक चौधरी, 20 गेंदे खेली है मयंक ने। तो हमारे ऑफलाइन स्कोरर चंदन जी ने बताया कि 12 ओवर की समाप्ति हुई है और रन का आंकड़ा है कुल 75। धूल भरी हवाएं राहत देती हुई हम सबों को, कड़ी धूप निकली है अभी। वाइड के दो रन मिले।
अच्छा शॉट है, बिल्कुल क्लीन हिट, साइड स्क्रीन में टकराती हुई, छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर राजेश मंडल का, और ये छक्का निकला मयंक चौधरी के बल्ले से। मयंक पहुंचे 31 पर 24 गेंदें खेली हैं और टीम के टोटल स्कोर को पहुंचा दिया 87, 87 दो विकेट के नुकसान पर। 13वें ओवर की आखिरी बॉल काजू, और फिर से गेंद को घुमाया है, तेज़ रफ्तार से गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। तो लगातार दूसरी बाउंड्री, काफ़ी देर के बाद ये मौका आया है कि लगातार दो बाउंड्रीज देखने का मौका मिला। 91, 13 ओवर, 91 रन, 91। एक और सुंदर सा शॉट है, आकर्षक छक्का निकलता हुआ अमरजीत के बल्ले से। इस छक्के की मदद से रनों का आंकड़ा 97। एक राहत भरी वाली बात ये कि अब किंग्स मिर्जान के 100 रन पूरे होने वाले हैं। इसके बावजूद अगर उनका 100 रन पूरा होता है तो फिर 119 रन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर से 100 रन और बनाने पड़ेंगे उन्हें। अच्छी गेंदबाजी, बाद में बल्ला आया, गेंद पहले निकल गई। चौदह ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है कुल किंग्स मिर्जान का 98 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दीपक अपने कोटे को बढ़ाते हुए क्रिस के कोने में आए थे, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद में उछाल थी। लंबा शॉट है, लंबी हिट, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के दाहिनी तरफ साइड स्क्रीन के ऊपर टकराती हुई, एक लाजवाब छक्का। इस छक्के के साथ 100 रन पूरे हुए हैं मिर्जान किंग्स के, 105 रन आफ्टर 14.3 ओवर्स, 20.73 की रिक्वायर्ड रन रेट से अब 114 रन चाहिए 33 गेंदों में जीतने के लिए। मयंक चौधरी 41 पर चले गए हैं, मयंक और अमरजीत खेल रहे हैं 16 पर। दीपक कदमों को आगे निकाला था और जैसे ही बल्लेबाज को बाहर निकलते हुए कोई भी गेंदबाज देखता है तो उस गेंदबाज की हरकतें तेज हो जाती हैं। ये लीजिए, ये बॉल हवा में उछाल दी थी, टॉस करा दिया था, शिप के लिए गए थे। ओवर संपन्न होता हुआ दीपक का, एक और 30 गेंदें शेष हैं, 106 और स्कोर है कुल 106 रन, किंग्स मिर्जान 106 रन, और बाकी बची हुई 30 गेंदों में जीतने के लिए कुल 113 रनों की और आवश्यकता, क्योंकि वॉरियर्स चंपानगर ने कुल 218 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, जिसमें गौरव राज और सौरभ की अर्धशतकीय पारी शामिल। गेंदबाजी में अपने कोटे को आगे बढ़ाने के लिए आए बिट्टू, लेकिन पहली ही गेंद पर स्वागत हुआ है चौके से, 110 और इस चौके से मयंक चौधरी अर्धशतक के करीब 46 पर, 29 गेंदें खेली हैं। तो क्या आज के दिन का ये तीसरा अर्धशतक होगा, क्योंकि पहली पारी में वॉरियर्स चंपानगर के कप्तान गौरव राज ने अर्धशतकीय पारी खेली, सौरभ ने लाजवाब 75 रन बनाए थे। कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश में ऐसे शॉट्स का इजाद हुआ है। थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पर,
तो एक और ओवर समाप्त हुआ है 114 रन आफ्टर 16 ओवर्स, तो 24 बाकी बची हुई गेंदों में 103 रन बनाने हैं। अगर आज दो अंक हासिल करना है मिर्जान किंग्स को, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों दूर दूर तक 219 के आसपास भी फटक नहीं पाएगी आज किंग्स मिर्जान, क्योंकि लक्ष्य अब भी 105 रन दूर, 105 24 गेंदे। प्रत्येक ओवर्स में 25-26 रन बनाने की आवश्यकता है। गौरव ने खुद को एक बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में स्थापित किया है हाल के वर्षों में। टीम की ज़रूरतों को जब खुद कप्तान समझता है तो किसी न किसी रूप में खुद को उस अग्नि में, उस महासमर में झोंक देता है। ये बल्लेबाज बड़ा ही लाजवाब है, ये खिलाड़ी बड़ा ही मेहनती है। पिछले 7-8 सालों से मैं इन्हें कई स्तर के क्रिकेट में खेलते हुए देखता हूँ, सॉफ्ट बॉल में भी, लेदर बॉल में भी, और सभी जगहों में इनका मिला जुला कर प्रदर्शन बड़ा लाजवाब रहता है। मुझे इनके गौरव की वो पारी याद आ रही है फूलपरास में 2018 में, 42-43 गेंदों में 138 रन बनाए थे, एक दर्जन छक्के लगे थे, 4 गेंदें मिली नहीं थी, झील के अंदर गई थी, और तब से ये बल्लेबाज मेरी नज़र में बड़ा अच्छा बल्लेबाज साबित हुआ है। अशफान खान, राजेश सिंह, वाचस्पति, तुषार, कोसी क्षेत्र से, जबकि भागलपुर जो उनकी अगर बातें करें तो सचिन भारद्वाज, समरजीन आदित्य, कुमार गौरव, सूर्यवंश, ये इसके अलावा और भी ढेर सारे प्लेयर काफ़ी नए उभरते हुए क्रिकेटर्स हैं। कटिहार से मयंक, पूर्णिया से विजय भारती, शकीबुल गनी, जो तीन भाई खेलते हैं मोतिहारी क्षेत्र से, फैजल गनी, शकीबुल गनी, एक और भाई। तो बिहार में ये बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हाल फिलहाल के वर्षों में इन्होंने अपनी चमक बिखेर रखी है। आप देख रहे हैं भागलपुर क्रिकेट लीग पावर्ड बाय विजय कुमार यादव, छठा मुकाबला किंग्स मिर्जान वर्सेस वारियर्स चंपानगर। 218 रन बनाए थे चंपानगर वारियर्स ने और लक्ष्य रखा 219 का किंग्स के सामने। मिर्जान काफ़ी पिछड़ते हुए, बहुत पीछे, माइल्स अवे, और यहाँ पर एक मौका है और इस मौके को क्या भुना पाएंगे जी, नहीं, कैच ड्रॉप। आज गौरव को दो विकेट मिल जाते लेकिन दोनों ही कैच छूट गए। मैन ऑफ द मैच की दौड़ में सबसे आगे हो जाते गौरव, हालांकि सौरभ अभी आगे हैं। लीजिए गौरव फिर से एक अच्छा ओवर संपन्न, 17 ओवर 120 रन, 99 रन और चाहिए बाकी बची 18 गेंदों में, 4 ओवर 34 रन, एक भी विकेट नहीं गौरव के खाते में। अगर दो कैचेस पकड़े जाते तो निसंदेह गौरव दो विकेट लेते, अर्धशतकीय पारी खेली और किक हीरोज में पहला नाम मैन ऑफ द मैच में इनका ही आता, क्योंकि ये साफ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 18 गेंदों में 99 रन तो बनने वाले हैं नहीं, और इस वजह से मैन ऑफ द मैच की होड़ में सबसे आगे सौरभ चल रहे हैं। तो क्षेत्र रक्षक में बदलाव आया है, गौरव जो टीम के कैप्टन हैं वो बाहर गए हैं और उनकी जगह एक क्षेत्र रक्षक, माफ करेंगे, गौरव ही रहेंगे। तो कुल इस पारी में 18 गेंदें बची हुई हैं, 99 रन की आवश्यकता। अब दिलचस्पी इस बात की होगी कि क्या मयंक चौधरी अपना अर्धशतक कब पूरा करते हैं। 50 हो गए मयंक चौधरी के, पिछले ओवर में ही 34 गेंदें अब तक खेली हैं उन्होंने, 50 रन पूरे हुए हैं मयंक चौधरी के। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, क्या कैच पकड़ी जाएगी यहां पर, जी हां, बल्लेबाज को वापस पेवेलियन जाना होगा। मयंक ने आउट होने के पहले 35 गेंदों में कुल 50 रन बनाए हैं, तीसरी अर्धशतकीय पारी आज यहां पे नज़र आई। मयंक आउट,
विकेट्स तो ढेर सारे हाथों में हैं, लेकिन रन पर पहुंचने की, लक्ष्य पर पहुंचने की कभी कोशिशें नहीं की गई हैं। नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हुआ है विष्णु का, जो अपनी टीम के बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन विष्णु आए और विष्णु गए। पहली गेंद पर एक कैच उछला, उनके बल्ले से कैच निकला था और वापस चौथे विकेट के रूप में विष्णु वापस पवेलियन जा रहे हैं। नया बल्लेबाज क्रीज पर आता हुआ दीपेश आए हैं ऑन द हैट्रिक। बिट्टू दो लगातार सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। वाइट अट्ठारह ओवर 123 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे शेष हैं और लक्ष्य है कुल 219 का। भानु आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। भानु ने कितने विकेट प्राप्त किए चंदन, आप बताएं? अभी तक भानु को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कितने रन खर्च किए हैं? 17 रन दिया है इन्होंने अपने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। किफ़ायती गेंदबाजी, बेशक विकेट नहीं प्राप्त कर पाए लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी की है। बल्लेबाजी को परेशान कर रखा है अपनी शानदार गेंदबाजी से भानु ने। और इसी के साथ भानु को पहली सफलता मिलती हुई। अंततः भानु ने एक विकेट प्राप्त किया, 5वें विकेट का पतन होता हुआ। तो दीपेश के आउट होने के बाद विवेक आनंद आए हैं पुछल्ले बल्लेबाज। बस औपचारिकताएं शेष, सम्मान की लड़ाई, डॉट बॉल। भानु क्रॉस द लाइन गए थे, मिड विकेट एरिया में गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, क्षेत्र रक्षक मौजूद। एक रन करेंगे, एक ओवर थ्रो का भी रन मिला। तो 19वां ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है, 126 का आंकड़ा। लक्ष्य था 219, 126 बने हैं और जीतने के लिए अब 93 रनों की आवश्यकता। 93 मोर रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 बॉल्स। आखिरी की 6 गेंदें फेंकने के लिए राकेश काजू हैं सामने से और उनके सामने बल्लेबाज के तौर पर अमरजीत खड़े हैं। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के ऊपर पीछे चिपके हुए। एक रन, डॉट। आज फिर मायूस, अब तक कोई मैच किंग्स मिर्जान जीत नहीं पाई है। ये तीसरा मुकाबला उनके हिस्से का, आज भी निराशा हाथ लगी है वासुकीनाथ मिश्रा को। औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करना पड़ता है हम सबको, चाहे खेलने वाले खिलाड़ी हो या स्कोरर हो या हो कमेंटेटर। डॉट, गेंदें लगातार निकलती हुई। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी होता कि नेट रन रेट को भी आपको देखना है, लेकिन अब तक कोई मैच नहीं जीत पाई है 3 मैचों में किंग्स मिर्जान की। ये आखिरी मैच भी उनकी झोली से बिल्कुल निकल गया है। आखिरी बॉल, और इस आखिरी बॉल के साथ ही इस मुकाबले को कुल कितने रनों से जीता है मैं अपने ऑफलाइन धर्मजय जी और ऑनलाइन चंदन से पूछना चाहूँगा। 91 रनों से जीता है। मैन ऑफ द मैच की घोषणा
अगर आइए क्रिकेट रोज पर तो वो देख लेंगे आप कौन हुए मैन ऑफ द मैच। ये बताते हुए मैं अब इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे संपन्न करूँगा। दूसरा मुकाबला भी खेला जाने वाला है, उस मुकाबले के लिए भी मेरे साथ बने रहिएगा। टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 218 रन बनाए चंपानगर वारियर्स ने और किंग्स मिर्जान की टीम को मात्र रोका 127 रनों पर। और इस मुकाबले को जीतते हुए चंपानगर वारियर्स ने दो और महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए हैं। मैन ऑफ द मैच की घोषणा अभी होनी बाकी है। तो ऑफलाइन जो स्कोरिंग कर रहे थे चंदन जी, ऑनलाइन कर रहे हैं धर्मजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने हेल्प की मुझे। और क्रिक हीरोज़ के ज़रिए ये मैसेज आया है कि आज के मैन ऑफ द मैच हुए हैं सौरभ जी, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 75 रन बनाए थे। अगले मैच के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।